मैं एक दिन बैठा हुआ था, और जब भी मैं ऑफिस से इधर आता हूँ तो पक्षी जो है अलग अलग बैठे रहते हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। हम लोगों को जब प्यास लगती है तो हम बोल देते हैं, ऑफिस में बोल देते हैं, घर में बोल देते हैं, हमें प्यास लग रही है पानी दे दो। पक्षी कैसे बोले, किससे बोले? तो मेरे मन में ख्याल आया कि इनके लिए भी पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने विचार बनाया और मैं इनके लिए घोंसले लेके आया, बनाए घर पे, और फिर मैंने टांगे और उसमें पानी भी रखा, जिससे कि पक्षियों को प्यास लगेगी तो वो घोंसले में आएंगे, बैठेंगे भी और अपना पानी भी पियेंगे। तो गर्मी पड़ रही है तो मैं ये देख रहा हूँ कि पक्षी जब भी आते हैं छाया में, एक तो पेड़ भी लगे हुए हैं, प्राधिकरण द्वारा बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें जो है अब घोंसले की व्यवस्था हो गई है, तो पक्षी आ रहे हैं, इसमें बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमें जब जरूरत पड़ती है, आके देख लेते हैं कि पानी नहीं है, तो हम इसमें आके पानी डाल देते हैं, जिससे पक्षी अपना पानी पी रहे हैं। हाँ, ऐसी गर्मी में पानी, पक्षियों की जान बच रही है, और इतनी भीषण गर्मी में जो टेम्परेचर है, इंसान के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो ही रही हैं। अब पक्षी तो बहुत नाजुक चीज़ है, तो उनके लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि लाओ एक छोटा सा, एक अच्छा सा काम कर लेते हैं, पुण्य का काम कर लेते हैं। जो पक्षी जो बोल नहीं सकते हैं, है ना, बेजान प्राणी हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था, और जब भी मैं ऑफिस से इधर आता हूँ तो पक्षी जो है अलग अलग बैठे रहते हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। हम लोगों को जब प्यास लगती है तो हम बोल देते हैं, ऑफिस में बोल देते हैं, घर में बोल देते हैं, हमें प्यास लग रही है पानी दे दो। पक्षी कैसे बोले, किससे बोले? तो मैंने मेरे मन में ख्याल आया कि इनके लिए भी पानी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने विचार बनाया और मैं इनके लिए घोंसले लेके आया, बनाए घर पे, और फिर मैंने टांगे और उसमें पानी भी रखा, जिससे कि पक्षियों को प्यास लगेगी तो वो घोंसले में आएंगे, बैठेंगे भी और अपना पानी भी पियेंगे। तो गर्मी पड़ रही है तो मैं ये देख रहा हूँ कि पक्षी जब भी आते हैं छाया में, एक तो पेड़ भी लगे हुए हैं, प्राधिकरण द्वारा बड़े अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें जो है अब घोंसले की व्यवस्था हो गई है, तो पक्षी आ रहे हैं, इसमें बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमें जब जरूरत पड़ती है, आके देख लेते हैं कि पानी नहीं है, तो हम इसमें आके पानी डाल देते हैं, जिससे पक्षी अपना पानी पी रहे हैं। हाँ, ऐसी गर्मी में पानी, पक्षियों की जान बच रही है, और इतनी भीषण गर्मी में जो टेम्परेचर है, इंसान के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो ही रही हैं। अब पक्षी तो बहुत नाजुक चीज़ है, तो उनके लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि लाओ एक छोटा सा, एक अच्छा सा काम कर लेते हैं, पुण्य का काम कर लेते हैं। जो पक्षी जो बोल नहीं सकते हैं, है ना, बेजान प्राणी हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं।